नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तारीख भारत में तय कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तारीख तय कर दी है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ भारत का ये सख्त एक्शन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि 3 करोड़ जो स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी तादाद है, सबसे पहले इन लोगों का टीकाकरण शुरू होगा और उसके बाद बाकी लोगों की बारी आएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीका लगेगा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। देश में 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा टीकाकरण। आपको बता दें, लगातार सरकार की ओर से इस तरह के संकेत भी मिल रहे थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि मकर संक्रांति के आसपास टीकाकरण शुरू हो जाएगा और अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जो बड़ी वैक्सीन पर समीक्षा बैठक की गई है उसमें हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार की ये झड़ी झंडी। और यकीनन आज जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, 16 जनवरी ये वो तारीख जब कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध के लिए हिंदुस्तान पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में शुरू होने वाला है, उसी पर देखिए आज तक की हमारी ये खास पेशकश। सो सॉरी, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई, सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। इन पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, कुछ तो सोचो ओ दीवानो, वैक्सीन पे ना भ्रम फैलाओ, लगवा लो वैक्सीन मेरी मानो, बीजेपी की वैक्सीन भरोसा न जताएंगे, जीतेंगे इलेक्शन तब हम फिर लगवाएंगे वैक्सीन। ना भाई रे भाई रे ना, फिर भी हमें तो तुमको समझाना है, सबको लगनी है और सबको लगवाना है, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई, सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे। सो सॉरी, ये अलग अंदाज जरूर है लेकिन इसकी गहराई में जो बातें छिपी हुई हैं सरकार के सामने वो बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हर एक को वैक्सीन लगाना उसका मकसद ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के तमाम सवाल। फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ड्राई रन हमारे देश में चल रहा है, लेकिन इस ड्राई रन के बीच अच्छी खबर सामने आ गई है। पूरा देश दम साधे जिस दिन का, जिस तारीख का इंतजार कर रहा था, वो तारीख अब आने वाली है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने वाली कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण आज से ठीक 7 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 16 जनवरी से देश में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत होगी। शुरू में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों की बारी आएगी। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। 16 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, करीब बरस भर इंतजार के बाद एक सपने के पूरे होने जैसे खुशी है। ये वो भरोसा है जो बताता है कि अब कोरोना का अंत निश्चित है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। ये ऐलान उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। उसके बाद बीमारी से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगेगा और उसके बाद सामान्य लोगों को टीका लगेगा। मतलब ये कि सामान्य लोगों को अभी टीके का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही कोविड के टीके का ऐलान कर दिया गया है। आज तक गर्म तो 16 तारीख आप भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए। इस तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और ये सबसे बड़ी जंग कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की सबसे बड़े अभियान को आखिरकार अंजाम कैसे दिया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से कैसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आएगी, जान लीजिए। पहला चरण मिशन वैक्सीनेशन का है। 4 मुख्य मेडिकल डिपो पर ये देखिए वैक्सीन की फैक्ट्री बनाकर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत का ये मिशन वैक्सीनेशन अंजाम कैसे दिया जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए 37 स्टेट वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे। जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में वहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती है इसको ठीक से रख पाना, जिसके लिए रेफ्रिजरेटर गाड़ियां अलग अलग ड्राइरन में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर तक इनके जरिए पहुंचाई जाएंगी। और आपको बता दें कि ये होगा जिला स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंचेंगी। इस तरह से एक एक करके किस तरह से छोटे छोटे हिस्सों को भी आप सरकार, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो गली हो, उसको लेकर आएगी। और ये देखिए दूसरा चरण मिशन वैक्सीनेशन का वैक्सीनेशन सेंटर, इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर से पहुंचेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जिनको लगना है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको बकायदा समय दिया जाएगा, सेशन इसके लिए अलॉट किया जाएगा। सेशन अलॉटमेंट की बात इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से ड्राई रन जब हुआ था तो पूरे इंतजाम किए गए थे। और पहला डोज, सबसे पहले पहला डोज लगेगा, लेकिन पहला डोज लगने के बाद ही आप निश्चिंत मत हो जाइएगा क्योंकि उसके बाद दूसरे डोज की भी बारी आएगी। मोबाइल पर SMS के जरिए इस बारे में आपको कंफर्म किया जाएगा कि पहला डोज कब आपको लगना है, कब कहां पर आपको पहुंचना है, कितने देर आपको इंतजार करना है। यूनिक हेल्थ ID आपको दी जाएगी, QR कोड भी आएगा, बकायदा मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी ताकि कहीं पर भी कोई गलतफहमी का शिकार ना हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए। और पहले वैक्सीनेशन के बाद उसके बाद दूसरे डोज की तैयारी की जाएगी। हालांकि पहले और दूसरे डोज में काफी ज्यादा समय लगेगा, 28 दिनों का वक्त बताया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से, लेकिन इंतजार करना होगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी 16 तारीख से, पहला डोज और उसके बाद दूसरे डोज के बीच कितने दिनों का फर्क रहता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तैयारी पूरी की जा चुकी है, ड्राई रन के जरिए तमाम अपनी कमियों को दुरुस्त किया गया है। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तो आ गई है, मगर कोरोना के खत्म होने के पहले एक और दहशत फैल गई है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यकीनन ये 16 तारीख आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ कोरोना तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बर्ड फ्लू का खतरा। दिल्ली में लगातार हो रही पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं, मगर पोल्ट्री फार्म में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अंडा और चिकन खाने से बचने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के हस्तसाल के एक पार्क में 17 कौवों की मौत, द्वारका में DDA पार्क में 2 कौवों की मौत, दिल्ली के संजय झील में 10 बतखों की मौत। तो क्या ये समझा जाए कि दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है? कोरोना की मार से अभी संभली भी नहीं थी कि दिल्ली का आकाश बर्ड फ्लू की दहशत से भर गया है। अभी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार मरते हुए पक्षी चिंता बढ़ा रहे हैं। सैंपल हमने जलंधर लैब में भेजे हैं, वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क की है। यहाँ 3-4 दिनों से रोज मरे कौवे मिल रहे हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक अब तक 17 कौवे मरे मिले हैं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के निर्देश पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेज चुकी है। बाकी मरे कौवों को गहरी जमीन में दफन कर दिया गया।
अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कौओं की मौत की खबर से दहशत है। द्वारका के एक पार्क में दो कौवे मरे मिले, जिसमें एक सैंपल को भोपाल के लैब में जांच के लिए भेजा गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 कौओं की मौत हुई है, जिसमें से 4 सैंपल को जालंधर के लैब में भेज दिया गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 17 कौओं की मौत हुई है, जिसमें से 4 सैंपल जालंधर के लैब में भेजा गया है। अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एक और वायरस की दहशत बढ़ती जा रही है। पार्कों में साफ सफाई हो रही है, पक्षियों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को कहा गया है कि कहीं कोई अगर मरा पक्षी दिखे तो उसके पास न जाएं, फौरन प्रशासन को इत्तला करें। मैं पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में मौजूद हूं और यहां ये जो संजय झील है काफी बड़ी झील है। यहां पर आप तमाम बत्तख देख पा रहे हैं। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 10 बत्तखों की आज मौत हो गई है। इस खबर के बाद सनसनी फैल गई। दिल्ली सरकार की डॉक्टरों की एक टीम यहां पर पहुंची और बकायदा जो मृत बत्तख थे उनके जो सैंपल है वो कलेक्ट करके जो डॉक्टरों की टीम है वो लेकर गई है। यहां मैं आपको बता दूं कि मयूर विहार इलाके में इसी तरीके से कौओं की मौत की खबर आई थी। उसके अलावा हस्तसाल इलाका है, वहां से भी कौओं की मौत की खबर आई थी। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। गाजीपुर पोल्ट्री फार्म 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलांस टीम बना दी गई है। पशुओं के डॉक्टर लगातार सर्वे कर रहे हैं। संजय झील, भलसवा झील पर नजर है। पोल्ट्री मार्केट हौज खास की निगरानी हो रही है और हेल्पलाइन नंबर 23890318 जारी कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दहशत का आलम यह है कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है और मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। चिकन और अंडे की कीमत भी आधी हो गई है। देश भर में बर्ड फ्लू का खौफ है और उस खौफ का असर क्या दिल्ली के मुर्गा मंडियों में हो रहा है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं, साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा सीधा ब्यौरा लेंगे। कई सारे प्रिकॉशन रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई जहां पर भी कोई मौत होती है किसी पक्षी की या चिकन की तो उसको सीधे सीधे पिट में डाला जाए। बर्ड फ्लू से अब तक इंसानों में संक्रमण के मामले नहीं आए हैं, लेकिन डर तो डर है। अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो पहले केरल, हरियाणा, दूसरे हिस्सों में फैला हुआ था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी इसका खतरा मंडरा रहा है और यकीनन दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। 6 राज्यों में फैल चुका है और अलग अलग दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में लेता हुआ। इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर टूटा तो सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया। मंदिर के टूटने पर अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग थी, मगर अब इस जंग में कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ते हुए सीधे वो वहीं जा पहुंची जहां पर मंदिर टूटा था, जहां कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। नहीं नहीं, यूं कहिए कि भारतीय राजनीति की धुरी पर मंदिर घूमता ही रहा है। अयोध्या न सही, इस बार चांदनी चौक। तो सुनिए हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
यह हनुमान चालीसा उसी जगह पढ़ी जा रही है जहां सैकड़ों साल पुराना हनुमान का मंदिर था। मंदिर प्राचीन था और चांदनी चौक वालों की आस्था का मुख्य केंद्र भी था। मगर दिल्ली सरकार के सौंदर्यीकरण के लिए निकली क्रेन गर्जी तो हनुमान का मंदिर भी ढह गया और मंदिर ढहा तो मंदिर वाली सियासत दिल्ली के दरबार में उफन पड़ी। फिलहाल हनुमान चालीसा का पाठ करके मंदिर के टूटने का विरोध दर्ज कराने कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के मामले के विरोध में इस वक्त दिल्ली कांग्रेस पहुंची हुई है हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं बातचीत करने के लिए। क्या मांग लेकर आप लोग यहां पर पहुंचे हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है, जो मंदिर तोड़ा गया, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही हैं, माफी मांगे, इस मंदिर को पुनः वहां स्थापित करने की बात कहें। हनुमान जी की तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वहां स्थापित की गई थी। प्राचीन मंदिर है, कोर्ट में माना है, इनकी रिपोर्ट में माना है। कांग्रेस नेताओं के हाथ में जो तख्ती बैनर है उन पर लिखे वाक्यों पर नजर दौड़ाइए, ये सीधा और सपाट निशाना बीजेपी पर है। क्योंकि दिल्ली में सत्ता जरूर आम आदमी पार्टी की है मगर एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार योजना को रीडिजाइन करके उसी जगह पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाए। उत्तरी एमसीडी के मेयर सीधे सीधे मंदिर के टूटने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर पुनर्विकास के नाम पर जिस प्रकार से हनुमान मंदिर को तोड़ा गया है, इसमें मैं दिल्ली सरकार की घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली सरकार के 8/8/2019 के आदेश जो कि उन्होंने हमारे कमिश्नर को लिखे, जिसमें साफ लिखा है कि हनुमान मंदिर, चांदनी चौक और पागल बाबा का मंदिर को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, वहाँ से रिमूव किया जाए। उन्होंने खुद माना है कि मंदिर नहीं है, एक एनफोर्समेंट है। इस तरह की बातें बहुत ही निराशाजनक है। मेयर साहब भले ही आज आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बात कही है कि ये मंदिर अतिक्रमित जमीन पर बना हुआ है और एमसीडी इस हनुमान मंदिर को तोड़ना चाहती है, इसीलिए तो कोर्ट ने मंदिर को तोड़ने की इजाजत दी। कि आज ये पूरे देश को पता है और भाजपा को भी पता है अच्छी तरह कि आधी रात को नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों ने पूरे अमले के साथ जाकर उस मंदिर को तोड़ने का काम किया। जिस एजेंसी ने उसको तोड़ा वो भाजपा शासित एमसीडी, जिसने जो पब्लिक को रोकने के लिए गई वो दिल्ली की पुलिस, जिसकी प्रोटेक्शन में पूरा मंदिर तोड़ा गया। तो पुलिस भी इनकी, डिपार्टमेंट भी इनका और कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल करने वाले डीसी भी इनके और कंप्लेंट करने वाले वो कार्यकर्ता भी भाजपा के नेता संजय भार्गव। तो ये पूरे देश को पता है कि हनुमान जी का जो मंदिर है, भगवान बजरंगबली का जो मंदिर है, वो भाजपा के लोगों ने मिलकर तोड़वाने का काम किया। सियासत यही नहीं रुकी, आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी पर दोष मढ़ रही हो लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने लिख कर दिया है कि सौंदर्यीकरण के रास्ते में एमसीडी और बीजेपी वाले रोड़ा बन रहे हैं, वो मंदिर तोड़ने में बाधा डाल रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ ही रहे थे कि इस लड़ाई को कांग्रेस ने त्रिकोणीय कर दिया। इस सियासी लड़ाई के बीच मंदिर ट्रस्ट से जुड़े संजय शर्मा का कहना है कि सब दिखावे की बातें हैं, सब अपनी सियासत चमकाने के प्रयास में है, किसी ने कोशिश ही नहीं की कि मंदिर बच जाए। नहीं नहीं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ना जी, अब एक्चुअल में ये प्रदर्शन तो दिखावा हो रहा है। ये जितने भी लोग हैं ये अगर पहले से इकट्ठे हो जाते, ये पहले मंदिर की शरण में आ जाते, मंदिर को बचाने के लिए आ जाते, तो शायद मंदिर वहां से नहीं टूटता। ये तो मंदिर टूटने के बाद एतवार से शुरू हुए आने, हम शनिवार सवेरे से लगे हुए थे मंदिर को बचाने। हम 15 लोग थे, 15,000 की फोर्स थी, हम फोर्स का कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर का टूटना क्या जरूरी था, और अगर हाँ तो अब उस पर राजनीति क्यों हो रही है, और अगर नहीं तो तोड़ा ही क्यों गया? पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हनुमान के नाम पर विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ सियासत अभी तक लगातार जारी है। इस पूरे मामले में एक दूसरे पर ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। चलिए दिल्ली से अब आपको लेकर चलते हैं बंगाल की ओर, जहां पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान भले ही अड्डा जमाए हुए हैं लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के किसानों को मनाने में लगे हुए हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, ममता बैनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन के दौरे पर बंगाल के बर्धमान पहुंचे नड्डा ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई तो किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल अभियान को
हरी झंडी दिखाई। भिक्षाटन पर निकले हैं बीजेपी अध्यक्ष, घर घर मांग रहे हैं मुट्ठी भर चावल। भले ही दिल्ली में किसानों का आंदोलन 45वें दिन भी सवाब पर है, लेकिन जेपी नड्डा बंगाल के किसानों के दर पर है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई धान का कटोरा के नाम से मशहूर बर्धमान से। जेपी नड्डा ने बैक टू बैक 5 किसानों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल मांगा। किसानों को साधने के लिए नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दीदी ने किसानों का हक मारा है। किसानों की जो डिमांड्स है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। जिन किसानों के घर नड्डा पहुंचे उनमें से एक घर में खाना भी खाया, बंगाली थाली सजी, भात के साथ दूसरे व्यंजन भी परोसे गए। मकसद साफ है कि किसानों के दिलों में बीजेपी के लिए घर बनाना। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों के 74 लाख किसानों के घर बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। सभी के घर से एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद बीजेपी 25 से 30 जनवरी के बीच कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों के लिए भोज का आयोजन करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय पश्चिम बंगाल में जगह जगह यानी कि 5 घरों में जाकर पहले तो चावल ले रहे हैं और उसके बाद एक मुट्ठी चावल के साथ किसानों के साथ एक साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बंगाल को अगर जीतना है तो 74 लाख से अधिक किसानों को एक साथ लाना होगा और इन सब के बीच में जब पार्टी के कार्यकर्ता और उनके खुद के आला अध्यक्ष सब एक साथ आ रहे हैं तो उस बीच में एक और जहां पर्ची लगा रहे हैं कि यहां पर वो आए थे और उसके साथ साथ कि इस घर से इस मकान से उन्होंने चावल लिया है और उसके साथ इस चावल के साथ वो एक मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं। नड्डा ने रोड शो के जरिए भी बीजेपी की ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार के दिन पूरे हो गए। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार बनने का दावा भी ठोक दिया। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं, ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल के एक दिन के दौरे पर जेपी नड्डा की शुरुआत राधा गोविंद मंदिर से हुई, वहां मत्था टेका। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय भी साथ थे। नए साल में वर्धमान से जेपी नड्डा की शुरुआत की वजह है 2017 में यहां के चावल को जीआई टैग मिला था। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी को बंगाल की सियासत में कुर्सी का टैग मिल पाएगा? मुट्ठी मुट्ठी चावल इकट्ठा करने से झोला भरकर वोट मिलेगा? कहीं ढाक की धुन है तो कहीं उल्लू की ध्वनि और इन सब के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में एक दिवसीय दौरे पर है तो साथ ही साथ एक संदेश पहुंचाने का प्रयास कि जितना संभव हो सके किसान तक पार्टी की बात पहुंचे और किसान की बात भी पार्टी तक। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा आज तक। और इन सब के बीच बड़ी खबर भी सामने आई। साल 2021 का बंगाल के सियासी रण के लिए ये साल तैयार है। आज दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बंगाल के मौजूदा हालात पर उन्होंने चर्चा की। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि बंगाल में अलकायदा फैल रहा है, पैर पसार रहा है और बंगाल पुलिस सियासी हो गई है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे खेल की खबरें विक्रांत गुप्ता के साथ जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।